लेट्स बिगिन नाउ द एलिंग प्लैनेट। ये 11th क्लास का लेसन है, द एलिंग प्लैनेट, नैनी फाल्कीवाला के द्वारा लिखा गया है। दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय नैनी फाल्कीवाला और दिस वीडियो लेक्चर 1 of 5। द एलिंग प्लैनेट आप देख रहे हैं, ग्लोब देख रहे हैं, धरती ये आपको दिखाई दे रही है और दिस हैज बिकम एलिंग इन अ सेंस, एक तरीके से ये बीमार हो चुका है प्लैनेट हमारा। अबाउट द ऑथर नैनी फाल्कीवाला, नैनी फाल्कीवाला के बारे में बात कर लेते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन जनवरी 16, 1920 एंड ही लिव्ड अप टू डिसम्बर 11, 2002 इन मुंबई। ही वॉज अ जूरिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट। नैनी फाल्कीवाला वॉज वन ऑफ द बेस्ट जजेस द सुप्रीम कोर्ट एवर हैड। नैनी फाल्कीवाला एक बहुत ही बेहतरीन जज थे, जितने भी जजेस सुप्रीम कोर्ट में आज तक हुए हैं उनमें से जो बेस्ट हैं उनमें से एक थे। और हिज पेरेंट्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर पालकी, इनके जो पेरेंट्स थे, पालकियां जो होती हैं, पहले दुल्हनों को पालकियों में ले जाया जाता था तो पालकियां बनाते थे। सो दिस नेम इज अटैच्ड टू द फैमिली, इस वजह से ये नाम इस परिवार के साथ जुड़ जाता है। He was a great economist and defender of human rights. बहुत बड़े economist हैं, अर्थशास्त्री हैं और human rights के रक्षक हैं, defender हैं। He also remained as India's ambassador to Washington between 1977 to 1979. भारत के ambassador रहे Washington में ये 1977 से लेके 1979 तक। This was about the author नैनी फाल्कीवाला। Let me tell you about the lesson in a nutshell. इस लेसन के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं। This lesson is about the impact of green movement, which was started to save the earth from different ailments it's suffering because of so many human activities. ये लेसन ग्रीन मूवमेंट का धरती पे जो इम्पैक्ट हुआ है, जिसको शुरू किया गया था धरती को सेव करने के लिए, हमारी धरती माता को बचाने के लिए, तरह तरह की जो एलिमेंट्स धरती पे आ चुकी हैं जिनसे हमारा प्लैनेट सफर करता है, तो उसको बचाने के लिए, उन एलिमेंट्स से मुक्त कराने के लिए एक ग्रीन मूवमेंट नामक एक कैंपेन चला था। उसका इम्पैक्ट जानने के लिए लेसन है। बिकॉज सो मेनी ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय एक्टिविटीज से ही एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है, जो क्लाइमेटिक चेंज आ रही है, ये सारे जड़ ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम सब हैं इसके भागीदार। इट मेक्स अस अवेयर अबाउट द डैमेज वी ऑल आर कॉजिंग टू दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट। और ये लेसन एक तरह से हम सबको अवेयर करता है, जागरूक करता है कि क्या डैमेज हम धरती के ऊपर कर रहे हैं। धरती हमारी माता है और इसके रख रखाव में हम अपनी भूमिका पूरी तरह से अदा नहीं कर रहे और कितना नुकसान हम अपने ही माता को, अपनी धरती को पहुंचा रहे हैं, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। इफ द एक्टिविटीज ऑफ डिग्रेडिंग द अर्थ हैव नॉट बीन स्टॉप्ड, द अर्थ विल टर्न इनटू अ डेजर्ट एंड इनफर्टाइल लैंड एंड देयर वुड बी नो वेजिटेशन एंड लाइफ ऑन इट। यदि ह्यूमन बीइंग्स अपनी एक्टिविटीज इसी तरह से करते रहे, धरती को नुकसान पहुंचाते रहे, और वो दिन दूर नहीं है जब धरती हमारी एक डेजर्ट बन जाएगी, एक रेगिस्तान में चेंज हो जाएगी और इनफर्टाइल, बिल्कुल जिसमें उर्वर शक्ति जो होती है, उर्वरता होती है, उपजाऊपन होता है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। धरती पे कोई वेजिटेशन नहीं होगी, कोई लाइफ नहीं बचेगी। अब इस स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लेसन में हमें बताई गई है, वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिग्रेडिंग दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट अर्थ। अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं जो इस ब्यूटीफुल प्लैनेट को डिग्रेड कर रही हैं, जैसे ये कचरा है, आप देखते हैं ये कचरे के ढेर लग जाते हैं, अंबार लग जाते हैं, पोल्यूशन बढ़ाते हैं, और समुद्र में भी पोल्यूशन होता है, आसमान में पोल्यूशन फैलता है, धरती क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ड्राउट होते हैं, सूखा पड़ता है तो धरती, ये हालत धरती की हो जाती है, बंजर बन जाती है धरती एक किस्म से। डिटेल्ड समरी ऑफ द लेसन, और ये लेसन डिटेल्ड समरी में है, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है और पैराफ्रेज की गई है, और कहीं कहीं हमने टेक्स्ट भी कोट की है ताकि टेक्स्ट का अपना प्रभाव रहे।
The author begins this article by mentioning the fact that no movement in the world's history has gripped so effectively the imagination of the entire human race as the Green Movement. लेखक कहते हैं इस लेसन को जैसे ही आर्टिकल को बिगिन करते हैं, ये आर्टिकल के रूप में छपा था पहले, ये मेंशन करते हुए कि धरती पे जितनी भी मूवमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री में हैं, आज तक दुनिया के इतिहास में जितने भी मूवमेंट चली हैं, कैंपेन चले हैं, तो उनमें से आज तक किसी ने इतना अधिक प्रभावित नहीं किया मानव के इमेजिनेशन को, उसकी कल्पना को, जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने किया. ग्रीन मूवमेंट क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं. अ मूवमेंट रेफर्स दिस मूवमेंट रिफर्स टू द एक्टिविटी दैट इज कंटिन्यूड टुगेदर बाय पीपल टू चेंज और इम्प्रूव द प्रेजेंट सिचुएशन बाय मींस ऑफ यूनाइटेड एफर्ट्स. ये ग्रीन मूवमेंट जो एक कैंपेन है उस एक्टिविटी की तरफ हमारा ध्यान खींचती है जो हम यूनाइटेडली दुनिया के लोग यूनाइटेडली एकजुट होके धरती के जो वर्तमान स्वरूप है उसको बदलाव करने के लिए, उसको और अधिक इम्प्रूव्ड करने के लिए, जो उसमें खराबियां आई हैं, जो उसमें बीमारियां एलिमेंट हुई हैं, जो नुकसान पर्यावरण को हुआ है उसको ठीक करने के लिए जो एक जगह पे मूवमेंट चली, कैंपेन चला, दुनिया में चला, तो इसे ग्रीन मूवमेंट कहते हैं. इट्स कॉल्ड ग्रीन. इसे ग्रीन इसलिए कहा बिकॉज इन दिस मूवमेंट मच स्ट्रेस वाज लेड ऑन प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. इस मूवमेंट में धरती पे अधिक से अधिक प्लांटेशन करने पे बल दिया गया है. देयरफॉर दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ग्रीन मूवमेंट. द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड में सबसे पहले ये दुनिया की ग्रीन पार्टी स्थापित हुई जिन्होंने ये ग्रीन मूवमेंट को आगे बढ़ाया. सिंस देन तब से The movement has continued spreading its impact in people's mind. और उसी दिन से जब से न्यूजीलैंड में पार्टी ग्रीन पार्टी फॉर्म हुई और ये अपने एफर्ट्स अपनी मूवमेंट को अपने प्रभाव को दुनिया के दिमाग में स्प्रेड कर रही है फैला रही है. The author tells us that all of us have changed in our mechanical means emotionless to the holistical and ecological view of the world. ऑथर हमें बताते हैं, लेखक हमें बताते हैं कि हम सब हैव चेंज्ड इन आवर मैकेनिकल टू होलिस्टिकल एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. कि हमने अपना जो व्यू है दुनिया के प्रति वो बदल दिया है. इमोशनल जो व्यू था उससे वो मल्टीपर्पज और इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल व्यू हमें बनाना है जो इस पर्यावरण को ठीक करेगा, धरती को ठीक करेगा. इट्स A revolutionary change in human perception और human perception में ये एक revolutionary क्रांतिकारी बदलाव है. In the way that was done by Copernicus, an astronaut of Poland. Poland के एक astronaut हुए Copernicus. Human psychology में बदलाव करने पे बल दिया गया जिससे मानव के दिमाग में बदलाव आए और इस green movement का जो impact है सीधा उसके दिमाग पे पड़े ताकि वो बदलाव लाने में सहयोगी बने. He had taught people in the 16th century. ये जो पोलैंड के एस्ट्रोनॉट थे कोपरनिकस, इन्होंने 16th सेंचुरी में लोगों को सिखाया था, टीच किया था दैट अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. इन्होंने बताया था कि सूरज के चारों तरफ धरती भी दूसरे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं. ये बात वो दिमाग में लोगों के डालना चाह रहे थे. पीपल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट एट दैट टाइम. लोग उस वक्त इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे क्योंकि जब भी कोई नई बात होती है बदलाव के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाई वन एंड ऑल. और इसे सभी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है कि धरती घूमती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है और दूसरे प्लैनेट भी चक्कर काटते हैं धरती सूरज के चारों तरफ. और वन एंड ऑल का मतलब होता है सभी हु हैव साइंटिफिक टेम्परामेंट. जिन लोगों का साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये सूरज है, सूरज के चारों तरफ प्लैनेट्स जिनमें धरती भी है ये घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं. साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है ये आप समझ लो. टेम्परामेंट रेफर्स टू द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सनैलिटी. टेम्परामेंट एक व्यक्तित्व की विशेषता की तरफ इशारा करता है. करेक्टरिस्टिक है एक
विशेषता है किसी के व्यक्तित्व की दैट अफेक्ट्स द मूड और बिहेवियर, जो उस व्यक्ति के बिहेवियर को प्रभावित करता है। द वर्ड साइंटिफिक रेफर्स टू द केयरफुल एंड सिस्टमैटिक। साइंटिफिक का मतलब चौकसी वाला, केयरफुल, और जिसमें सिस्टम होता है। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसके कॉज एंड इफेक्ट को देखिए, केयरफुल स्टडी कीजिए, एनालिटिकल ब्रेन होना चाहिए, रीजनेबल अप्रोच हो उस टॉपिक की तरफ, उस लक्ष्य की तरफ, तब आप साइंटिफिक ब्रेन वाले व्यक्ति माने जाओगे। पेज नंबर 44 पे आते हैं। नाउ इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, ये पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री में हो रहा है, दैट अ वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस, जागरूकता, इज ग्रोइंग फास्ट। वर्ल्ड वाइड दुनिया में चारों तरफ एक अवेयरनेस जाग रही है, बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तेजी से ग्रो कर रही है। एंड द अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, और धरती को एक जीव के रूप में मान रहे हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में मान रहे हैं, और ये मान रहे हैं कि धरती ये एक बेजान चीज नहीं है, इसमें अपनी सजीवता है, अपनी जान है। इट्स एक्सेप्टेड एज एन इनॉर्मस ऑर्गेनिज्म, धरती को एक विशाल, इनॉर्मस मीन्स विशाल, बिग इन साइज ऑर्गेनिज्म स्वीकार कर लिया गया है। ऑफ विच वी ऑल आर पार्ट, और धरती के ये जैसे धरती है, धरती पे हम भी इसका हिस्सा है, और हमसे पहले जो वेजिटेशन, जो एनिमल्स, बर्ड्स यहाँ आए थे, उनका सबसे पहले उनका हक बनता है, उनका ही हिस्सा बनता है। लाइक एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की भांति, इट हैज इट्स ओन प्रोसेसेस, इसके अपने प्रोसेसेस हैं, सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर नेचुरली। तो धरती पे एक ऑर्गेनिज्म में जिस तरह से ग्रोथ होती है, डिक्लिनेशन होता है, और उसमें बीमारियां आती है, तो धरती को भी एक ऑर्गेनिज्म के रूप में जाना है, समझा है, तभी हम कह सकते हैं कि ये एलिंग प्लैनेट है, पर्सनिफाई किया धरती को, ये एक नॉन लिविंग बीइंग नहीं है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है। दीज नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, और ये जो फीचर्स हैं धरती की, ऑर्गेनिज्म की, इन्हें मानना भी है, स्वीकार भी करना है, इनकी रिस्पेक्ट भी करनी है, इज्जत करनी है, जैसे रिसोर्सेज हैं उनको संभाल के रखना है, उसका दोहन नहीं करना, उसे प्रिजर्व करना है। द ऑथर फर्दर सेज दैट द प्लैनेट अर्थ इज लाइक एन एलिंग प्लैनेट पेशेंट, लेखक आगे कहते हैं कि धरती एक एलिंग पेशेंट बन चुकी है, एक मरीज की तरह, बीमार व्यक्ति की तरह है, जिसका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब हो रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, मीन्स फॉलिंग डाउन, वर्सनिंग, खराब हो रहा है दिन ब दिन। This fact is evident, और ये बात स्पष्ट है, evident है, from several signs. Several means कई चिन्हों से, traces से ये बात पता लगती है कि धरती एक patient की तरह है, जिसका स्वास्थ्य दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, which are visible on the surface of the earth. और ये जो symptoms हैं बीमारी की, धरती की सतह पे नजर आते हैं। We have started to realize our moral duty to save this planet from its ailment. और हमने अब जैसे ही ग्रीन मूवमेंट चली, इस जिम्मेवारी को, इस उत्तरदायित्व को समझना शुरू करा, हमारी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि धरती की जो एलिमेंट है उसका हम इलाज करें, उसमें उसको ठीक करने में सहभागी बने। वी ऑल हैव टू एक्ट लाइक ए गुड स्टीवर्ड ऑफ द अर्थ, हम सबको धरती के एक अच्छे स्टीवर्ड का काम करना है, मैनेजर का काम करना है, और इसकी जो उत्तरदायित्व होते हैं मैनेजर का, स्टीवर्ड का, ट्रस्टी के रूप में आपको वर्क करना है। ट्रस्टी कौन होता है? ए पर्सन और ए ग्रुप हु कंट्रोल सम प्रॉपर्टी एंड मनी फॉर अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लेगेसी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। धरती हमें एक लेगेसी के रूप में मिलती है, हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है, और इसको एक जीने के लिए एक बेहतर स्थान बना के जाना है, ना कि इसको ऐसा बना के जाना है जो रहने लायक ना हो। इस पे ग्रीनरी जो वर्तमान में है, तो इससे अधिक ग्रीनरी इस पे लानी है, और पर्यावरण को दुरुस्त करना है, ठीक करना है, ये हमारी जिम्मेवारी, ये ट्रस्टी का काम होता है, उसको बेहतरी तक पहुंचाना होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस मैनर दिस वीडियो लेक्चर ऑन द एलिंग प्लैनेट इज ओवर। आई शैल कम विद द सेकंड लेक्चर ऑन अनदर डे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।